तो सामी लॉन्च करने जा रहा है 108 मेगापिक्सल वाला ललन टॉप 5G स्मार्टफोन। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामी के 108 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन की। तो सामी ने 2019 में अपने फ्लैगशिप फ़ोन के टी वेरिएंट लॉन्च करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत MI90 और MI90 प्रो से हुई, जिसमें एक मिड रेंज मॉडल भी था जिसे MI20 लाइट 5G के रूप में लॉन्च किया गया था। सोमी आज सोमी 11T सीरीज को लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले ही फ़ोन के फीचर्स और कीमत लीक हो चुकी है गाइस, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे सोमी 11T सीरीज के मॉडल्स की कीमत और फीचर्स के बारे में। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, प्राइस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस InFuture.D के अनुसार सीरीज के मॉडल के डिज़ाइन में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। सोमी 11T और सोमी 11T प्रो दोनों में 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले होगी, जिसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा के लिए स्टैंडर्ड पंच होल और इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले स्कैनर होगा। दोनों फ़ोन में भी समान संख्या में रियर कैमरे हैं। दोनों 8GB रैम के साथ आते हैं और 128GB और 256GB स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध होंगे। सोर्स के अनुसार दोनों मॉडल में 108 मेगापिक्सल का प्राथमिक रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 5 मेगापिक्सल का कैमरा मैक्रो कैमरा होगा। साथ ही सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी आपको मिलेगा। सोमी 11T को डायमेंशन 1200 चिपसेट के साथ लॉन्च करेगा, जबकि प्रो मॉडल में स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर होगा। दोनों मॉडल की बैटरी 5000mAh की होगी, लेकिन सोमी 11T प्रो तेज़ी से चार्ज होगा क्योंकि यह 120 वाट हाइपर चार्ज को सपोर्ट करता है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल का कम स्पीड में चार्ज होगा। दोनों फ़ोन में ब्लूटूथ 5.2 और वाईफाई 6 आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं 11 लाइट 5G की गाइस, यानी इस साल की शुरुआत में लॉन्च किए गए MI 11 लाइट 5G की अधिक किफ़ायती वर्जन होने की उम्मीद है। नए मॉडल में अभी भी 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 6.55 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फ़ोन में 4250mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो 33 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। सोमी 11T दो विकल्पों में आएगा, जैसे 8GB रैम और प्लस 128GB का स्टोरेज और 8GB रैम के साथ 256GB का स्टोरेज। इन मॉडलों की कीमत क्रमशः 47,736 रुपये और 52,082 रुपये होगी। सोमी 11T प्रो भी 8GB रैम और 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज में आएगा। दोनों मॉडलों की कीमत 56,429 रुपये और 60,775 रुपये होने की उम्मीद है गाइस। सोमी 11T लाइट 5G एनी के दो वेरिएंट में आने की उम्मीद है, जैसे कि 8GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB स्टोरेज में आने की संभावना है। इन वेरिएंट की कीमत क्रमशः 30,351 रुपये और 34,697 रुपये हो सकती है गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट रहने के लिए गाइस। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।